Se vede cum a... Se vede nu că mi-s nu casmir, se vede că lui... De aici sunt un casmir, nu s-a sujit cum a... Organizat, dar nu mă rog, tot în iar. De că si e că... S-a mi padaricai. Vimem că că tim... Vimem că că tim mai sale nevali. Timo că să fii players, este turnament că bileta runner-up, debiu să te lua arbitru. Sau se pahle, mai Kashmir Women Cricket League mein hissa le rahi sabhi bachiyon ko dher sari badhai deta hoon bar bar deta aur sabhi bharat teamon ke josh jazbe aur aasman chune ke naye sankalp ko salute karta hoon Jammu Kashmir ki betiyon ke sapne unke samarth ko nayi unchai dene aur unke sporting talent ko nikharne के लक्ष्य के साथ एक यूनिक और बेहतरीन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने के लिए जिला कोर्ट और खासतौर से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव रही की पूरी टीम जे के सी ए के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरा अपना निजी अनुभव है कि सबके जीवन में खासतौर से हम सबके जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें प्रेरणा के लिए मोटिवेशन के लिए किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि मोटिवेशन खुद ब खुद हमारे सामने खड़ा होता है। दुनिया की प्रसिद्ध क्रिकेटर मिताली राज की इस मैदान में उपस्थिति हमारी होनहार बच्चियों के जीवन का वही क्षण स्पोर्ट्स के इस डिसिप्लिन को जो प्लेयर्स अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मिताली एक जीवंत मोटिवेशन है और मेरे विश्वास है कि आज उनकी उपस्थिति आप सबके भीतर नई प्रेरणा नए उत्साह को जन्म देगी तथा सभी होनहार प्लेयर्स भी उन्हीं की तरह अपनी दक्षता और क्षमता को बढ़ाकर पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आप लोगों को गर्व की बात बताऊं, 8 दिन पहले जब इस क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई थी तब से मैं लगातार इस टूर्नामेंट के मैच और डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी रख रहा था। मैच के लेवल से ज्यादा मैं दूर दराज से आई टीमों कुलगाम अनंतनाग पुलवामा के प्लेयर्स का उत्साह देख रहा था। तमाम कठिनाइयों और संघर्षों के पश्चात उन्हें मिले नए अवसर को देखकर निश्चित रूप से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही थी। एक होनहार बेटी का हमें उसकी प्रतिक्रिया भी मैंने सुनी जो इसी लीग में पार्टिसिपेट कर रही है उसने कहा कि बिना संघर्ष के स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता और इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। उस बच्ची की बातों से निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हूँ और मैं सभी बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि आपके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी हर प्रकार से आपके साथ खड़ा रहेगा। हर कदम पर आपकी संभावनाओं को सफलता के शिखर प्राप्त हो इसके लिए पूरी शिद्दत से प्रयत्न किए जाएंगे। निजी तौर पर मानता हूं कि हमारी बेटियां हो सकती हैं जिनसे कश्मीर का अस्तित्व कायम है। वो मात्र सृष्टि की अनमोल दीदी नहीं है बल्कि वो अपने आप में एक संपूर्ण सृष्टि है और हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब समाज तरक्की करते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है तो वह सीढ़ी भी हमारी आदमी आबादी हमारी नारी शक्ति ही तैयार करती है। मिताली राज ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया लेकिन अपने अनुशासन और हौसले से उन्होंने इंडियन वेमेन क्रिकेट टीम के भविष्य उसकी इमेज को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई और मैं कहूं कि इस इमेज को हमेशा के लिए बदल दें। आज शोपियां पटना श्रीनगर अनंतनाग मैंने ऐसे स्पोर्टिंग टैलेंट हमारे बीच मौजूद है जो मिताली के प्रतिनिधियों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने भी तमाम चुनौतियां आ रही लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ रही और नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही।
मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि मीडिया के साथी हमारे ये कहें मिताली राज की तरह हमारी बच्चियां भी हेडलाइन में आवे गर्व का मनन था विद इंडिया न्यू मिताली राज। और मेरा विश्वास है कि संभव है जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने अपने अस्तित्व की घोषणा आज कर दी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आईटी स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स एरेना उन्होंने अपने टैलेंट से साबित किया है नारी का दूसरा नाम शक्ति और सफलता। पिछले कुछ वर्षों में ये कोशिश रही है एक विजन के साथ काम किया जाए और विशेष रूप से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात पर बल देते हैं वीमेन लेड डेवलपमेंट। और इस साल स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैंने भी कहा था कि मानवता की आधी आबादी को उसका पूरा हक मिले उसको सम्मान मिले इसके लिए प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट तथा आवाम के हर एक नागरिक को मिलकर काम करना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर की बेटियां और महिलाएं जम्मू कश्मीर की तरक्की का नेतृत्व करें। मैं मानता हूं उन्हें एम्पावर करने के लिए जरूरी है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। आज हर एक गांव शहरी वार्ड में ये कोशिश हो रही है हमारी बच्चियां हमारी बहनें अपने पैरों पर खड़ा हो इसका मौका मिले उनके टैलेंट को अवसर मिले ताकि वुमेन एम्पावरमेंट के लक्ष्य को साकार किया जा सके उन्हें और अधिकार संपन्न बनाया जा सके। आज मुझे बताते हुए खुशी है 6.5 लाख से ज्यादा हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और अपनी शक्ति और आत्मस्वतंत्रता के बल पर केवल अपने परिवार को नहीं समाज को ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी में अपना योगदान कर रही है और एक नई इबारत कर रही है। पिछले साल प्रतिदिन 786 यूथ जम्मू कश्मीर में अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की उसमें से अच्छी खासी संख्या हमारी बच्चियों की। उन्होंने अपनी मेहनत लगन सामर्थ्य और आत्मविश्वास से साबित किया उद्यम में उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता। शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हमारी बच्चियां दौड़ जिस विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं गया 70% से ज्यादा गोल्ड मेडल आज कश्मीर की बच्चियां ले रही बेटियां ले रही। अगर मैं थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम की बात करूं उसमें भी इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित ही नहीं हुई बल्कि ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं ने जिस तरह का काम किया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जम्मू कश्मीर के विकास में उनका योगदान निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। अनेक इंटरप्रेन्योरशिप योजनाओं का इस तरह का लक्ष्य बनाया गया है उनके भीतर विश्वास पैदा होने आत्मविश्वास से भी और असंभव को कैसे संभव बनाया जाए ये कोशिश की जाए। मित्रों आज मैं कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर की आबादी तो छोटी है 30-35 लाख लेकिन मगर मैं एक सच आपको बताऊं देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश से ज्यादा बजट जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स का है। और खिलाड़ी अपर कविता है महाराष्ट्र देश का सबसे विकसित राज्य एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिलाकर के महाराष्ट्र का जितना बजट है उससे बेहतर बजट जम्मू कश्मीर का है तो ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। ये बेमानी होगी अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार नहीं व्यक्त करूँ। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान में जम्मू कश्मीर का जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे हमारे स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के या इंडोर स्टेडियम बने हों पूरे कम्युनिटी में माननीय प्रधानमंत्री जी के PMDP के कारण ये काम हम कर सकें। ज्यादा से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर और बाकी चीजें भारत सरकार के सहयोग से चल रही और पूरे भारतवर्ष मैं समझता हूँ सदियों से नारी की क्षमता और समाज में उनका स्थान ऊंचा रहा है। वैदिक काल में भी इस देश में अनेक ऐसी महिलाएं मैत्रेयी हो गार्गी हो इन महान नारियों ने समाज का मार्गदर्शन किया और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि मातृ देवो भव मां ही देवता है इस भावना के साथ हम सब काम करते रहे। अभी देश ने जो सबसे बड़ी विजय प्राप्त चंद्रयान की उसमें भी मुझे लगता है कि देश की बहनों की बच्चियों ने सबसे ज्यादा योगदान किया है। मैं आप सब जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक से अपील करता हूँ हमारे बच्चियों के पास टैलेंट की कमी नहीं है उन्हें बिना किसी भेदभाव के निखरने का अवसर मिलना चाहिए। वही आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे आपकी ताकत बंद कराने वाले दिनों में उभरेंगे
राजा उनके सपने उनकी इच्छाओं उनके संकल्पों में साथ देते हैं। समझिए आप सिर्फ एक परिवार की तरक्की नहीं कर रहे हैं, उनके सपने को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के सपने को पूरा करने में आप मदद कर रहे हैं। पिछले मैंने बताया स्पोर्ट्स को लेकर के दूर दराज इलाकों में भी एक नया जनूना जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ है। तो उन पेरेंट्स के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चियों की प्रतिभा दिखाने में मदद की। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले यहाँ 3-4 लाख लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। पिछले साल जम्मू कश्मीर में 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने खेल में हिस्सा लिया और इस वर्ष का लक्ष्य जो है डिफरेंट डिसिप्लिन में 75 लाख से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ये प्रशासन ने लक्ष्य रखा है। और अफरीन की तारीख सुनी थी, पिछले कुछ सालों में अलग अलग डिसिप्लिन में महरीन आरिफा बल्किस सोनिया यूसुफ सादिया तारीख अनेक ऐसे नाम मेरी जुबान पर है जिन्होंने केवल जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया। मुझे और पूरे जम्मू कश्मीर इन बेटियों के टैलेंट और उनकी क्रिएटिव क्षमता पर गर्व है। मैं सभी पेरेंट्स से भी एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में थे तो उन्होंने अपने पारिवारिक मित्र को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम महिलाओं की अवस्था में सुधार ला सकते हो तभी कल्याण की आशा की जा सकती, नहीं तो तुम सदैव पिछड़े रहोगे। यह जम्मू कश्मीर के स्वर्णिम भविष्य के हित में हमारी बच्चियां हमारी बहने उन्हें अधिक से अधिक महत्व दिया जाए, उनकी गरिमा और उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाए। मैं आपको भरोसा देता हूँ पूरी कुशलता से जम्मू कश्मीर के विकास का नेतृत्व हमारी बहने करें हमारी बच्चियां करें, इसकी हर संभव कोशिश की जाएगी। मैं एक बार पुनः किनार को तथा मिताली राज जी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी बच्चियां इस तरह देश का नाम रोशन करें ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ।